Assalamu alaikum dear student, how are you? I hope all of you are fine and doing well. So let's start our today's lecture. Today we are going to start our new chapter, unit number 2, growth and movement in living things. Living things वो चीज़ें होती हैं बच्चों जो हमारे पास सांस ले सकती हैं, ठीक है. लिविंग थिंग्स आर दोज हु कैन टेक ब्रीथ, ठीक है. ग्रोथ मीन उनकी नशोनुमा, मूवमेंट मतलब हिलना जुलना, जिस तरह हम मूवमेंट करते मूव होते हैं. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी ग्रोथ एंड उनकी मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Living and non-living things. Living things are quite different from the non-living things. Mean जो living things होती हैं वो non-living things से बहुत different होती हैं. They have characteristics which non-living things do not. उनके पास ऐसी characteristics होती हैं, ये ऐसी खसूसियात होती हैं जो non-living things मतलब जो सांस नहीं ले सकती हैं उनके पास नहीं होती. Like plant and animal are living things. जो plant और animals होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, living things होती हैं. They are alive. वो क्या होती हैं, alive मतलब होते जिंदा, वो जिंदा होते मतलब सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है. Like animals हो गए, birds हो गए, जैसे कि हमें बताया हुआ animals and प्लांट्स हो गए. और नॉन लिविंग थिंग्स मीन बुक हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है ना. और जो चेयर का साइज होता है उतना ही साइज रहता है, वो उनमें ग्रोथ भी नहीं होती है. सो लिविंग थिंग ईट, लिविंग थिंग्स क्या खाती हैं, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स. अब क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट है वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट खाते हैं एंड अदर एनिमल्स खाते हैं. लिविंग थिंग ब्रीथ, दे टेक इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी. द ऑक्सीजन इन द एयर चेंज द फूड इन साइड देयर बॉडी टू एनर्जी. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज. मीन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ मतलब सांस लेती हैं, जो वो एयर लेती हैं उस जो सांस में जो एयर लेती हैं उनसे वो क्या करती हैं, अपनी एनर्जी बनाती हैं. जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो उनके फूड को चेंज होकर उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी बन जाता है. और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. लिविंग थिंग गेट रिड